स्पीड T4 नया मॉडल है और ट्राइम्फ की तरफ से। ट्राइम्फ ने लास्ट ईयर एक धमाका किया था स्पीड 400 लॉन्च करने के साथ, ग्लोबली सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बाइक बन गई थी ट्राइम्फ की तरफ से, और स्पीड T4 उसका सक्सेसर है। सक्सेसर इन टर्म्स ये उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल है और वही लेगेसी है, वही पावर है, वही इंजन है, बट अफोर्डेबल प्राइस पर। ऐसा कैसे किया ट्राइम्फ ने, चलिए जानते हैं। नमस्ते मोटरिस्ट, करना पड़ेगा, या यूं कहें कि अफोर्डेबल बनाने के लिए कुछ एक चीजों को रिप्लेस किया गया है, लाइक जहां पर यूएसडी फोक को रिप्लेस कर दिया टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से। तो उन सब के साथ स्पीड T4 का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, लेट्स नो ऑल अबाउट दिस स्पीड T4 इन दिस वीडियो। इंडिया के अंदर लास्ट ईयर 400cc के अंदर बाइक लॉन्च की थी स्पीड 400, और उसकी वजह से ये ग्लोबली ट्राइम्फ की तरफ से आने वाली मोस्ट अफोर्डेबल बाइक बनी थी। ट्राइम्फ स्पीड 400 एज ए रोडस्टर और एज ए स्क्रैम्बलर आती थी क्या, अभी भी आती है, बट ट्राइम्फ स्पीड T4 ये कुछ मायनों में ट्राइम्फ स्पीड 400 से अलग है। ये है ट्राइम्फ स्पीड 400 और ये है ट्राइम्फ स्पीड T4। दोनों में आएंगे विजुअली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ एक कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हुआ चलूँगा। दोनों सेम इंजन शेयर करती है, लेकिन इसके इंजन को भी रीट्यून किया गया है सिटी के कंफर्ट के हिसाब से, और ऐसा नहीं है कि इसके आने के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। ट्राइम्फ स्पीड T4 अवेलेबल है सिंगल वेरियंट में एट द प्राइस रेंज ऑफ 2.17 लाख एक्सयूरो। इसके अंदर तीन बड़ी कलर का ऑप्शन मिलता है, वाइट, रेड एंड ब्लैक। आपकी स्क्रीन पर ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा होगा, और देखिए कैसी लग रही है ये बाइक ब्लैक कलर के अंदर, आप मुझे कमेंट्स करके बताना। लाइक स्पीड 400 ये रोडस्टर बाइक भी वैसी ही है, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। इस बाइक के अंदर भी सभी लाइट LED के अंदर मिलेगी, यहाँ पर DRL एंड यहाँ पर आपको LED के अंदर इंडिकेटर मिलेंगे। सस्पेंशन के अंदर डिफरेंस है स्पीड 400 से यदि आप कंपेयर करते हैं तो, बाकी 17 inches के टायर्स, एंड यहाँ पर आपको मिलता है 399cc का लिक्विड कूल्ड इंजन, इसको रीट्यून किया गया है, एंड ये यहाँ पर आपको केवल इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही मिलेगा, किक का ऑप्शन नहीं मिलता है। छोटा सा यहाँ पर लेग गार्ड और यहाँ पर स्प्रिंग बेस्ड राइडर के लिए फुटरेस्ट, एंड सिंपली ट्यूबुलर फ्रेम है स्टेनलेस स्टील का, एंड रियर के अंदर आपको मोनो शॉक मिलेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज नोटिस करेंगे, अभी आपको कॉटेड साइलेंसर मिलता है। पहले जब स्टार्टिंग में स्पीड 400 लॉन्च हुई थी तो यहाँ पर मेटेलिक साइलेंसर था स्टेनलेस स्टील की, जैसे लाइक इस टाइप का इसकी आउटर बॉडी थी, एंड सेम डिज़ाइन पैसेंजर के लिए ग्रैब रेल्स, LED टेल लैंप एंड LED इंडिकेटर्स। सिंगल सीट है, स्प्लिट वाइज नहीं है, बट राइडर को लो रखा गया है एंड पिलियन को अपराइट रखा गया है। इस बाइक के अंदर मिलते हैं 17 इंच का टायर्स फ्रंट एंड रियर दोनों जगह। फ्रंट टायर सेक्शन रहेगा 110/70R17 का। फ्रंट में सस्पेंशन यदि आप स्पीड 400 से कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस है, अभी यहाँ पर अपसाइड डाउन सस्पेंशन की जगह टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जा रहा है, और यहाँ पर जो सस्पेंशन ट्रेवल एरिया है वो 140mm का मिलेगा। ये एक मेजर डिफरेंस है यदि स्पीड 400 से आप इसको कंपेयर करते हैं तो। रियर के अंदर आपको टायर सेक्शन मिलेगा 140/70R17 का। MRF जयपुर के टायर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं विद अलॉय व्हील्स, 10 बॉक्स के अंदर अलॉय व्हील यहाँ पर मिलेंगे। फ्रंट एंड रियर दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक मिलता है विद ड्यूल चैनल ABS। फ्रंट डिस्क डाया 300mm का रहेगा, एंड यहाँ पर इसका ABS। रियर के अंदर आपको मिलेगा 230mm का डिस्क डाया विद ABS। एट रियर आपको सस्पेंशन मिलेगा मोनो शॉक और गैस फील्ड मोनो शॉक है ये प्रीलोडेड हाइट एडजस्टमेंट के साथ, और इस सस्पेंशन के साथ आपको व्हील का ट्रेवल एरिया मिलेगा 120mm का।
398 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पर ऑफर किया गया है। लाइक स्पीड 400 के अंदर भी सेम इंजन मिलता था, लेकिन इसको रीट्यून किया गया है। अब ये पावर प्रोड्यूस करता है 31 पीएस की, पहले ये पावर प्रोड्यूस करता था 39 पीएस की, थोड़ा सा रीट्यून किया है और सिटी के हिसाब से इसको रीट्यून किया है। टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करेगा 36 न्यूटन मीटर का। बोस का इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर। ये इंजन पेयर्ड है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। प्राइम की ब्रांडिंग एंड इंजन का कूलेंट लेवल आप यहां से चेक कर सकते हैं। यहां पर मिनिमम है, यहां पर मैक्सिमम है, और कूलेंट को टॉप अप करना हो आप यहां से कर सकते हैं। ये है इसका कूलिंग मैकेनिज्म, रेडिएटर एंड फैन, इंजन की बेटर कूलिंग एंड एफिशिएंसी के लिए। सिंगल हॉर्न मिलता है। मशीन कट डिज़ाइन यहाँ पर अवेलेबल है। स्पीड 400 की ब्रांडिंग वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीमेटिक्स यहाँ पर मिलता है। मैनुअल आपको स्पीडोमीटर विद MID, इसके अंदर आपकी गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, RPM मिलेगी, और यहाँ पर ऑडो फ्यूल लेवल, यहाँ पर सारी चीज़ मिल जाएगी। ABS की लाइट, चेक इंजन लाइट वगैरह यहाँ पर है। इन्फॉर्मेशन में स्विच ऑन करने के लिए यहाँ पर बटन है जो पहले की तरह मिल रहा है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, एवरेज एंड सभी में स्विच ऑन करने के लिए हाई लो बीम एंड ये फ्लैश ऑन। राइट हैंड साइड मिलेगा आपको सेल्फ स्टार्ट, हजार्ड लैंप के कंट्रोल और किल स्विच। इसके अंदर मिलता है टाइप सी USB चार्जर, जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है। कनेक्टेड रहे लॉन्ग राइड के दौरान। बाइक के अंदर 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। 17 इंच के टायर मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 180 mm का रहेगा। गाड़ी का वेट वेट जो है 180 kg रहे, और व्हील बेस 1406 mm है। सेडल हाइट या सीट हाइट 806 mm की रहेगी, एंड हाइट बाइक की ओवरऑल हाइट विदाउट मिरर 1098 mm की रहेगी। हैंडल बार की विड्थ 827 mm की है। बाकी इसकी लेंथ एंड विड्थ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। डिफरेंसेस है, स्पीड 400 आती है 2,40,000 एक्स शोरूम प्राइस पर। स्पीड T4 आएगी आप 2,17,000 एक्स शोरूम प्राइस टैग पर। बस ये है स्पीड 400। इसके अंदर कलर ऑप्शन आपको 4 मिलते हैं, यहाँ पर 3 मिलेंगे, और इसके अंदर मेटेलिक वाइट मिलता है, यहाँ पर प्लेन वाइट मिलता है। विजुअल दोनों बाइक को डिफ्रेंशिएट करना हो, स्पीड 400 के अंदर जो मिरर्स हैं वो यहाँ पर हैंडल के कॉर्नर पर माउंट नजर आएंगे, वेयर एज इसके अंदर T4 के अंदर मिरर्स माउंटेड है यहाँ पर अंदर, जैसे अपनी जनरली बाइक्स के अंदर होते। बाकी आप आफ्टर मार्केट इसको यहाँ पर कॉर्नर पे माउंट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, ग्राफिक्स के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए स्पीड 400 के टैंक पर फ्यूल टैंक की ग्राफिक्स कुछ आपको ऐसी नज़र आएंगी। स्पीड 400 की जो ब्रांडिंग है थोड़ी सी इनग्रेव्ड टाइप 3D एलिमेंट के साथ, वेयर एज स्पीड T4 की ग्राफिक्स में आपको डिफरेंसेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको 400 एंड स्पीड T4 की ब्रांडिंग मिलेगी नीचे की तरफ। ये तो है इसके विजुअल डिफरेंसेस। बाकी इसके मैकेनिकली क्या क्या चेंजेस हैं, इसके अंदर मिलता है USD स्पॉक सस्पेंशन और गोल्ड प्लेटेड, वेयर एज यहाँ पर मिलेगा आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 43mm डाया के साथ। दूसरा मेजर डिफरेंस आता है मैकेनिकली इसके इंजन में, वहाँ पर ये पावर प्रोड्यूस करता है करीब 39 PS की, एंड वही 400 CC का इंजन है। इंजन के CC में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसको रीट्यून किया है सिटी के हिसाब से, पावर प्रोड्यूस करेगा 31 PS की। स्टीयरिंग बार के या हैंडल बार के मटेरियल में भी डिफरेंस है, और दोनों के डायमेंशन में भी डिफरेंसेस हैं। इन सब डिफरेंस के अलावा दोनों बाइक के टायर्स में भी डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। दोनों बाइक के अंदर है तो 17 इंच का टायर, लेकिन टायर सेक्शन डिफरेंट है। जैसे कि स्पीड T4 के फ्रंट का टायर सेक्शन मिलेगा 110/70 R17 का, वेयर एज स्पीड 400 का टायर सेक्शन मिलेगा 110/80 R17 का। T4 में रियर टायर सेक्शन मिलेगा 140/70 R17 का, एंड स्पीड 400 के अंदर मिलेगा 150/70 R17 का। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन स्पीड 400 एंड स्पीड T4।
आप इंजन कैपेसिटी के हिसाब से जाएंगे तो आपको हीरो की मैवरिक, हार्ले डेविडसन X440 एंड ट्रायम्फ स्पीड 400 जैसी बाइक आपको देखने को मिलेगी। बाकी जावा एंड रॉयल इनफील्ड फैमिली को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जावा यजदी एंड BSA की बाइक भी इसी कैटेगरी में इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली है। ऑफकोर्स वो इसके राइवल्स मिलेंगे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं 400cc सेगमेंट में, आप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सी वाली पसंद है। लेकिन इसका सेगमेंट में काफ़ी अच्छा फास्ट एक्सेलरेशन ये बाइक ऑफर करती है। दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। तो आप अपनी चॉइस अपने अकॉर्डिंग, आपके एरिया में सर्विस किसकी अवेलेबल है, नियरेस्ट डीलरशिप कौन सी है, तो ये सारे फैक्टर आप चूज कर सकते हैं एंड देन आप अपनी फेवरेट बाइक ले सकते हैं। ट्रायम्फ स्पीड T4 आपको कैसी लगी, डू लेट मी नो। वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप टू व्हीलर चला रहे तो हेलमेट का प्रयोग और फोर व्हीलर चला रहे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूले। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय, जय हिंद।